सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए गए रेड बटन पर जल्दी से क्लिक कर लीजिए और जुड़ जाइए द अकेडमी प्लस फैमिली से। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें सो देट कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, चाहे वो आपके स्कूल के बोर्ड के एग्जाम हो या फिर वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। काफी बच्चों के मन में डाउट है कि उनके एग्जाम अभी होंगे या फिर नहीं होंगे, अगर होंगे तो कब होंगे और अगर नहीं होंगे तो उस केस में हमारा क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी एग्जाम जो है पोस्टपोन हो चुके हैं और उनके दो सबसे बड़े रीजन हैं। तो सबसे पहला कारण है कोरोना वायरस आउटब्रेक, और इसका दूसरा बड़ा रीजन है कि अगर इन एग्जाम्स को कंडक्ट भी कराते तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों, यही दो मेन रीजन है जिनकी वजह से एग्जाम्स को पोस्टपोन किया गया है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स की, तो आप देख सकते हैं कि जो सरकारी स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है, दोनों के ही बोर्ड एग्जाम्स को अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। CBSE और ICSE दोनों बोर्ड्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि वो अभी एग्जाम लेने वाले नहीं हैं। ये एग्जाम्स बेसिकली पोस्टपोन हो चुके हैं। ये एग्जाम्स बेसिकली होने वाले थे 19 और 31 मार्च के बीच में, लेकिन अभी के लिए ये पोस्टपोन हो चुके हैं। और दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन जिसको CBSE बोर्ड ने जारी किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो एग्जाम 19 और 31 मार्च के बीच में होने वाले थे, उन सभी एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। आप यहां पर पढ़ सकते हैं, CBSE हैड पोस्टपोन ऑल द बोर्ड एग्जामिनेशंस दैट वर टू बी हेल्ड बिटवीन 19 to 31 मार्च। दोस्तों, अगर मैं बात करूं जो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स हैं, उनकी कोई फाइनल डेट अभी तक नहीं आई है। आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स विल गिव नोटिस ऑफ अबाउट 10 डेज टू ऑल द स्टेक होल्डर्स बिफोर स्टार्टिंग द बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो जिस दिन एग्जाम होंगे उससे सिर्फ 10 दिन पहले जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी को नोटिस मिल जाएगा CBSE की तरफ से। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना होने दें। आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है आप इसमें जमकर तैयारी करें, और जिन बच्चों की तैयारी नहीं हो पाई थी उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। दोस्तों, अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। और वो खुशखबरी ये है कि उनको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, उनको डायरेक्टली एंट्री मिल रही है नेक्स्ट क्लास के लिए। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को। अगर हम बात करें क्लास 9th और 11th की, तो इस केस में जो CBSE है उसने ये कहा था कि काफी स्कूल्स ऑलरेडी एग्जाम्स ले चुके थे, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, स्टेट UT के गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी स्कूलों के अंदर एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हुए थे। स्कूलों को एडवाइस किया जा रहा है कि जो 9th और 11th में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको आप डायरेक्टली नेक्स्ट क्लास में भेज सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट कंडक्टेड इन द स्कूल। आप देख सकते हैं कि इन सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है एग्जाम कैंसिल हो चुका है, जैसे कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, सिम्बायसिस इंटरनेशनल, AMU दैट मीन्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, IIT बॉम्बे, IIM इंदौर, IIT कानपुर। इन सभी स्टेट्स ने अपने स्कूल के एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया है या फिर कैंसिल कर दिया है। आप देख सकते हैं कि असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पुडुचेरी। अगर मैं बात करूं नीट एग्जाम की, सो दिस एग्जाम वाज सपोज टू बी हेल्ड ऑन 3rd May 2020, बट नाउ यू कैन सी एग्जैक्ट डेट विल बी अनाउंस लेटर ऑन आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन। पहले एडमिट कार्ड इशू होने वाले थे 27th मार्च को, लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन फिनिश होगा उसके बाद क्या कंडीशन रहती है, उसके बाद ही एडमिट कार्ड जो है इशू होंगे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं जेईई मेन एग्जाम की, तो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है NTA दैट मींस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस एग्जाम को भी पोस्टपोन कर दिया गया है फिलहाल के लिए। बेसिकली दिस एग्जाम वाज शेड्यूल्ड टू बी हैपन ऑन 5th, 7th, 9th and 11th of April 2020। इस एग्जाम की न्यू डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन जो नोटिफिकेशन है उसमें बोला गया है कि ये एग्जाम हो सकता है कि मई 2020 में हो। एग्जाम डेट के रिगार्डिंग आप इन साइट्स को बेसिकली चेक करते रहें, इस पे विजिट करते रहें।